चलो बच्चों, तो अभी गैल्वेनोमीटर जल्दी से देखते हैं। तो देखो, गैल्वेनोमीटर से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें करंट का डायरेक्शन पता चल जाता है, करेक्ट। अभी वर्क कैसे करते हैं, जब हम मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर वर्क कैसे करता है। पर अभी आपको मालूम होगा कि जैसे हमने देखा भी था, दो रीडिंग मिले थे, +30 एंड -30। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था इसका, वी वर गेटिंग +30 रीडिंग एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग -30 रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर कैन टेल अस किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पहली चीज तो ये है, और मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है गैल्वेनोमीटर के साथ, कि गैल्वेनोमीटर का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम रहता है। इट कैन बी सम 5 मिली एम्पियर, कुछ तो माइक्रो एम्पियर में भी होता है। ठीक है, तो इट टेल्स अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, मतलब ये अच्छा ही भी है एक तरीके से। लेकिन अभी समझो, आपके पास केवल गैल्वेनोमीटर है लैबोरेटरी में। ठीक है, आपके पास केवल लैबोरेटरी में केवल गैल्वेनोमीटर है, और आपको भी करंट मेजर करना है। आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है 5 मिली एम्पियर का है। अब आपको करंट मेजर करना है, मान लो इससे ज्यादा आपको करंट मेजर करना है 5 एम्पियर का, तब आप क्या करोगे? अगर आप इस गैल्वेनोमीटर में अपना पूरा का पूरा 5 एम्पियर का करंट फेंक दोगे, मतलब छोड़ दोगे, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इसके जो कॉइल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे लैबोरेटरी में ना, हमें डांट पड़े। तो व्हाट वी विल डू इज, क्या करेंगे अभी, देयर हैज टू बी सम सोल्यूशन ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे गैल्वेनोमीटर में, ट्राई टू अंडरस्टैंड हम अभी क्या करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर के केस में। या अगर मुझे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और मेरे पास केवल गैल्वेनोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट। तो अभी गैल्वेनोमीटर को अगर मुझे अमीटर में कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर रेंज की, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? या अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एक पर्टिकुलर रेंज की वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, विल ट्राई टू सी दीज टू कंडीशन हियर। ओके, तो अब आपको मालूम है बच्चों कि जब भी आप करंट मेजर करते हो, ठीक है, आप जब भी करंट मेजर, पहले हम करंट का केस देखते हैं। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, तो मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इस सर्किट से कुछ करंट आगे आ रहा है, ठीक है, तो आप अमीटर कैसे लगाते हो? अमीटर आप यहाँ पे कैसे लगाते हो, ऐसे लगा देते हो ना, ऐसे लगाते हो ना। ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि अगर मान लो इस गैल्वेनोमीटर की रेंज 5 मिली एम्पियर है और आपका करंट 1 एम्पियर का है, तब इट विल गिव यू प्रॉब्लम ना, करेक्ट। इट विल गिव यू प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, कि 1 एम्पियर का करंट जैसे इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ये गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। देखो कैसे लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस को, विल पुट अ शंट रेजिस्टेंस हियर, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर जिसकी रेंज 5 मिली एम्पियर, हम यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दें। और कैसे लगाएंगे, अच्छा इस गैल्वेनोमीटर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसको हम बोल देते हैं आर जी। ठीक है, और हम इस शंट रेजिस्टेंस को ऐसे लगाएंगे कि मैं सारा का सारा करंट जितना यहाँ पर आ रहा है, दिस गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड दिस, और यहाँ पे केवल और केवल, मान लो जैसे मैंने बोला कि रेंज 5 मिली एम्पियर की है, तो केवल और केवल 5 मिली एम्पियर का करंट है, बाकी का सारा करंट हम इस शंट में डायरेक्ट कर देंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो असेंबली रहेगी, कौन सी असेंबली, ये दिस इज बेसिकली, मैंने अभी एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी शंट शंट रेजिस्टेंस कितना यूज करना है वो देखो,
अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ करंट को यहाँ पर देखेंगे, तो अगर ये आई है तो अगर मान लो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जा रहा था कितना, आई जी जा रहा था। अब आई जी से ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के ब्रांच में नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहने वाला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई जी इंटू आर जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू शंट, ठीक है। तो ये शंट कितना हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हो बच्चों, हाउ डू यू कनेक्ट वोल्ट मीटर मीटर इन एनी सर्किट? सर सर एक बार और बताएंगे क्या आरजी, आरजी क्या है? आरजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लिख देता हूँ मैं, आरजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और कुछ डाउट? मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है ना जो उसमें रहता है, हाँ उसके अंदर कुछ कॉइल होगी ना, जैसे करंट पास हो रहा हो तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। और आईजी क्या है, मिनिमम करंट दैट कैन पास, सर नॉट मिनिमम, दैट एक्सक्यूज मी सर, मैक्सिमम करंट। हाँ बोलो बोलो सर, बट गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ करंट के डिटेक्शन के लिए होता है ना, तो उसका कैसे रेजिस्टेंस होगा? तो करंट का मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते उस गैल्वेनोमीटर का, कुछ तो वैल्यू दी रहती है ना उसमें गैल्वेनोमीटर में, दी रहती नहीं दी रहती है? यस सर। समझी बात, ओके। और किसी को कुछ डाउट है? हाँ यार, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हो, अभी चलो बताओ सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हो? अभी सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आई कर कैसे, सर पैरेलल, पैरेलल कनेक्ट करते, वेरी गुड। तो अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, आपको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं मिलेगा ना। तो अभी मुझे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को भी ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आई करंट जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे आई करंट जा रहा है। तो अब देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे केवल आईजी से ज्यादा करंट ना जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे आईजी से ज्यादा करंट गया तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का कॉइल जल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा आई माइनस आईजी का करंट, ठीक है। तो देखो अभी अभी अगर मैं मान लो इसको इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पॉसिबल है क्या यहाँ पर ऐसा, ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है। तो अभी आपको भी गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कैसे लगा देनी है, अभी आपको गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लगा देनी है कुछ इस प्रकार से, अभी यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो अभी नाउ एक्चुअली व्हाट यू आर मेजरिंग इज आई माइनस आई जी इनटू आर, सो दिस विल एक्चुअली गिव यू द रीडिंग ऑफ आई माइनस आई जी इनटू आर। और यहाँ पर देखो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है प्लस शंट रेजिस्टेंस इनटू आई जी, ये कंडीशन से आप यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, बोले यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, इसको मैं फॉर्मूले के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट समझो बस बच्चों, हर चीज का फॉर्मूला रटोगे तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, इतना हमारा मेमोरी अच्छा नहीं रहता है कि हम 1000 फॉर्मूले रट लें, यू नो, एंड में हमें याद भी रहे वो सब फॉर्मूले, तो कंसेप्ट समझो इसको, हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गैल्वेनोमीटर व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, ये किसका फॉर्मूला, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर,
समझ में आया? इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं, चलो फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा। चलो देखो, तो क्या बोल रहे हैं, एनामीटर्स भी कंस्ट्रक्टेड विच कैन रीड करंट अप टू 2 एम्पीयर इफ द कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम एंड टेक्स 1 मिली एम्पीयर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ शंट यूज्ड? यस, तो हमें अमीटर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? तो इस अमीटर में देखो, इस अमीटर का मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट आ सकता है, ठीक है? इस रेंज का हमें एक अमीटर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पर, तो विच कैन रीड करंट अप टू 2 एम्पीयर इफ द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम्स एंड कैन टेक वन, मतलब गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, 1 मिली एम्पीयर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड? तो अब देखो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर आप यूज कर रहे हो, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया, 25 ओम। ये क्या है, ये आर जी है, ठीक है? और क्या बोल रहे हैं, और इस गैल्वेनोमीटर में कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, 1 मिली एम्पियर। दैट मीन्स आई जी की वैल्यू यहाँ पे दे दी है आपको 1 मिली एम्पियर। यहाँ पे शंट कितना लाओगे अप्रोक्सीमेटली, कितना शंट यहाँ पे पुट करोगे, तो बताएगा? तो अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पियर गया, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे 2 - 10^-3 एम्पियर, ठीक है कि नहीं है? जल्दी से बताओ, आर शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? अब देखो, आप चाहो तो इसको 2 - 10^-3 पर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 2 के बराबर, ठीक है? इसको आप 2 के बराबर अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। यस, जल्दी बताओ शंट की वैल्यू कितनी होगी? चलो जल्दी, 2 मिनट के टाइम देता हूँ, बताऊँ जल्दी से। देखिए यहाँ पर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इसके क्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 25 × 1 mA विच इज 10^-3, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आर शंट इंटू 2 ले लो, चलो 2 मैंने बताया ना आपको, इसको देखो आप लिख सकते हो 2 - 10^-3 मुझे अप्रोक्सीमेटली, जिससे अप्रोक्सीमेटली कोई 2 होगी। सर मैंने भेजा है, देखा है? यस, नहीं 12.5 × 10^-3 भी हो जाएगा फिर वहां, ठीक है? आर शंट अपॉन 2, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट प्रॉब्लम दू ना। जल्दी से देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ना। यहाँ इस प्रॉब्लम में किसी बच्चे को कुछ डाउट है? अभी इसका आंसर मुझे जल्दी से चाहिए, हाँ 2 मिनट के अंदर। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें अब एक चीज देखना, वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगा होता है बहुत हाई होती है, और जब आप उसको अमीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो रेजिस्टेंस लगा था बहुत कम होती है।
यस बच्चे जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। देखो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम का है ना। ओके और 50 माइक्रो, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे आईजी की वैल्यू जो होगी ये होगी 50 माइक्रो एम्पियर, और ये है 100 एम्पियर का, 100 ओम का आपका ये रेजिस्टेंस है। What resistance should be added to use it as a voltmeter of range 50 volt? Okay, चलिए तो पहले हम देखते हैं 50 volt का अगर आपको इसको convert करना तो क्या करोगे आप? अभी मालूम है तुम्हें ये resistance है, ये हो गया मेरा ओके दिस इज माय गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर हम अभी शंट कैसे लगाएंगे? शंट हम यहाँ पे कुछ ऐसे लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड, कितना सिंपल है बच्चों देखो ये कितना सिंपल है ये, और गैल्वेनोमीटर कितना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास कितना हो सकता है 50 वोल्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस कितना भी रहने दो ठीक है, और यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 माइक्रो एम्पियर है, तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा 50 माइक्रो एम्पियर, आईजी की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी, सिंपल ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर शंट, तो 50 वोल्ट इज इक्वल टू Ig into R galvanometer plus R shunt, या इसको V max लिख लेते हैं यहाँ पर, तो values put करोगे तो Ig आ गया 50 × 10⁻⁶, Rg कितना है 100 है ना, plus R shunt कितना है, calculate कर रहे हैं ना ठीक है, तो वो फाइनली कितना हुआ 10⁻⁶ इक्वल टू 100 प्लस आर शंट, अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पर आर शंट की जो वैल्यू देखो 10⁻⁶ माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁶ माइनस 100, ये हो जाएगा 99999900 ठीक है ना, ठीक ओके। अ मीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, अ मीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, तो अमीटर का रेंज कितना है 10 मिली एम्पियर ना ठीक है। तो अभी हमें गैल्वेनोमीटर बनाना है, अमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे अभी मेरा ये डिस्क है, हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर ऐसे लगा देंगे सीरीज में, और अमीटर में कन्वर्ट कर लेते, विल मेक श्योर कि आईजी करंट यहाँ से जाए और बाकी सारा करंट आई माइनस आई सी यहाँ पर जाए, कितना है 5 मिली एम्पियर का, कितना मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है 10 मिली एम्पियर का, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट वी आर सपोज टू मेजर, सो 10 मिली एम्पियर ओके, सो आई जी is equal to how much 50 microamps, देखो IG कितना 50 × 10⁻⁶, which is 5 × 10⁻⁵, ठीक है, और यहाँ पे कितना करंट जाना चाहिए I माइनस IG कितना होना चाहिए 10 × 10⁻³ माइनस
5 into 10 raised to minus 5. तो obviously आप चाहो तो इसको 10 मिली एम्पीयर भी रह सकते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, आपको जो वैल्यू दिखा देता हूँ कितनी आती है इसकी। ठीक है, आई मैंने साइज इज दिस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना, 100। ये कितना हो गया, 9.95 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू आर। तो कितना सिंपल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, आई आई जी इंटू आर। ठीक है, आई जी इंटू आर और I माइनस आई जी इंटू दिस आर, आई जी इंटू आर शेड इंटू आई माइनस आई जी इंटू दिस आर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 आर शेड। देखो कितना हो गया ये, 5 डिवाइडेड बाय 9.95 व्हिच इज हैपेंस टू बी 0.5025। जो अगर आप यहाँ पे इसमें इसका अप्रोक्सीमेट भी अगर कर लेते थे, इसको अगर आप यहाँ पर 10 मिली एम्पीयर भी रख देते कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अप्रोक्सीमेटली आपका 0.5 शंट रेजिस्टेंस आ जाता आपका। ठीक है, समझ में आई बात कैसे करना है। चलो तो विद दिस आई थिंक वी एंड दिस चैप्टर, आपके खत्म हो गया अभी, कुछ जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा विल टेक दिस इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो।